हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक स्टोरी पर फोटो में एनिमेशन इफेक्ट कैसे डालें। इस फेसबुक स्टोरी में फोटो में एनिमेशन इफेक्ट डाला हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक स्टोरी पर फोटो में एनिमेशन इफेक्ट कैसे डालें। तो उसके लिए आप अपना फेसबुक का ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे मैं फेसबुक का ऐप ओपन कर लिया, और उसके बाद आप यहाँ क्रिएट स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ क्रिएट स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद आपके मोबाइल की गैलरी वाला सारा फोटो वीडियो यहाँ पर दिखने लगा। तो जो भी फोटो में आपको एनिमेशन इफेक्ट डालना है उसको पहले आप स्टोरी पर लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये फोटो में एनिमेशन इफेक्ट डालना है, तो मैं इसको पहले स्टोरी पर लगा लेता हूँ। स्टोरी पर लगाने के लिए फोटो जब यहाँ पर दिखने लगेगा तो आप फोटो पर क्लिक करिए। तो मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ। फोटो पर क्लिक करने के बाद फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अगर जो फोटो में आप म्यूजिक भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर साइड राइट साइड कोने में स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मैं स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ म्यूजिक के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा म्यूजिक आ जाएगा। जो भी म्यूजिक को आपको लगाना है फोटो के साथ, आप उस म्यूजिक पर क्लिक करिए। जैसे मुझे ये म्यूजिक को लगाना है, तो मैं इस म्यूजिक पर क्लिक कर देता हूँ। म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं म्यूजिक आ गया। मैं आवाज़ को कम कर लेता हूँ। और म्यूजिक आ जाने के बाद ऊपर साइड राइट साइड कोने में डन के ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी फोटो में कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं डाला हुआ है। एनिमेशन इफेक्ट डालने के लिए आपको यहाँ पर एक आइकॉन मिल जाता है, तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करिए। तो मैं इस आइकॉन पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद नीचे साइड में आपको यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस आइकॉन पर क्लिक करता हूं, तो देख सकते हैं अब फोटो में जो है वो ये वाला एनिमेशन इफेक्ट डल गया। उसी तरह अगर जो मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो अब फोटो में जो है वो ये वाला एनिमेशन इफेक्ट डल गया। अगर जो मैं यहां इस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करता हूं, तो देख सकते हैं फोटो में जूम इन वाला एनिमेशन इफेक्ट डल गया। अगर जो मैं यहाँ माइनस वाले आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं अब फोटो में जो है वो जूम आउट वाला एनिमेशन इफेक्ट डल गया। तो उसी तरह यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट दिया गया। आपको जो भी एनिमेशन इफेक्ट डालना है उस पर क्लिक करिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये वाला एनिमेशन इफेक्ट फोटो में डल गया। तो देख सकते हैं फेसबुक स्टोरी पर फोटो में एनिमेशन वाले इफेक्ट डल गया। तो इस तरह से आप फेसबुक स्टोरी पर फोटो में एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर जो आपको ये स्टोरी को अपने फेसबुक स्टोरी पर लगाना है, तो उसके लिए नीचे साइड कोने में यहाँ सेट स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करिए, और उसके बाद प्रोसेसिंग होने लगेगा, और उसके कुछ देर बाद जो है ये स्टोरी आपका फेसबुक स्टोरी पर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फेसबुक स्टोरी पर फोटो में एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं।